पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम राम हरे हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 14 भागवतम के दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय टेक्स्ट 14 से चर्चा कर रहे थे। हमने थोड़ा बहुत एक पैराग्राफ पढ़ा था ये तात्पर्य का, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है, टेक्स्ट 14। एक सुष्टु सता विद्वन सुतो नो रहसि महाशितुं कथा हरि कथा दुर्गा सताम स्यु सदसि ध्रुवम। ओ लर्नड सुत गोस्वामी, प्लीज कंटिन्यू टू एक्सप्लेन सच टॉपिक्स टू अस बिकॉज वी आर ऑल ईगर टू हियर। Besides that, topics which result in the discussion of Lord Hari should certainly be discussed in the assembly of devotees. तो यहाँ पे शौनकाली रही सुत गोस्वामी को बता रहे हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप कृपा करके परीक्षित और सुखदेव के बीच में जो संवाद है उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं भगवान के कथा के बारे में सुनने के लिए। तो यहाँ पे शब्द है एतत् सुष्टु सुतां विद्वन् कि हे सुत गोस्वामी, हम बहुत उत्सुक हैं हरि कथा के बारे में सुनने के लिए, तो इसलिए आप वर्णन कीजिए। और खासकर शौनकादि ऋषि यहाँ पे बता रहे हैं कि हरि कथा है भक्तों के संग में, ये हरि कथा का वर्णन होता है। तो हमने इसका तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ा जहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे महाभारत जो है चार वेद का ही अंग है, इसलिए महाभारत का गिनती पंचम वेद में होता है। और थोड़े लोग बोलते हैं कि महाभारत वेद से अलग है, पर यहाँ पे प्रभुपाद बहुत क्लियरली समझा रहे हैं कि महाभारत भी भगवान का ही संबंध में है, क्योंकि भगवान के संबंध में कहानी है, इसलिए महाभारत का भी चर्चा होना चाहिए, बाकी पुराणों का भी चर्चा होना चाहिए, पर भक्तों के संग में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे जाके प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे भक्तों के संग में ये कथाओं को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम भक्तों के संग में नहीं सुनेंगे तब ये कथा का सही दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। तो हमारे महाभारत पढ़ने में और जो लोग बाकी लोग ऐतिहासिक हैं, जो भौतिक लोग हैं, उनके महाभारत पढ़ने में बहुत फर्क है। हमारे महाभारत पढ़ने में अगर कोई परंपरा में महाभारत पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि महाभारत का भी केंद्र बिंदु कृष्ण ही है, पर बाकी लोग बिना परंपरा के महाभारत पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कृष्ण एक व्यक्ति है, एक हिस्सा है महाभारत के, मेन कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए ये सब शास्त्रों को भक्तों के संग में, भक्तों के माध्यम से ही समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे ये जो तात्पर्य। द डिफिकल्टी इज दैट सच लिटरेचर्स व्हेन डिस्कस्ड बाय प्रोफेशनल मेन अपीयर टू बी मंडेन लिटरेचर लाइक हिस्ट्रीज और एपिक्स बिकॉज देर आर सो मेनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो ये सब शास्त्र में, इतिहास है, पुराण में, इसमें पढ़ने का समस्या है कि जब हम अभक्तों के मुख से सुनेंगे जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, हालांकि उन्होंने पीएचडी किया होगा, वो सब्जेक्ट मैटर को बहुत डिटेल से समझा होगा, तब हम ये जो तत्व ज्ञान है उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, हमको इसका महत्व समझ में नहीं आएगा। इट इज सेड हियर देयरफॉर दैट सच लिटरेचर शुड बी डिस्कस्ड इन दी असेंबली ऑफ डिवोटीज। इसलिए शौनकादि ऋषि बता रहे हैं कि हमको ये शास्त्र सुनना है, भगवान की लीला सुनने हैं भक्तों के संग में। तो भक्तों के संग में समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग यात्रा भी करते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर, अलग अलग जगह पे जाते हैं, पर भक्तों के संग में नहीं जाएंगे तो क्या दिखेगा?
एक टूरिस्ट स्पॉट दिखेगा बस, अलग अलग ऐतिहासिक महत्व समझ में आएगा, उसमें भक्ति का महत्व समझ में नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र हो कि दाम हो, हर एक चीज भक्तों के संग से ही समझ में आता है। अनलेस दे आर डिस्कस्ड बाय डिवोटीज, सच लिटरेचर्स कैन नॉट बी रिलिस्ट बाय द हायर क्लास ऑफ मेन। इसलिए भक्तों के संग में भक्त अगर ये चर्चा नहीं करेंगे शास्त्रों का, और किसी से हम शास्त्र सुनेंगे, तब हमको इसमें जो रस है वो उसका आस्वादन नहीं होगा। सो द कंक्लूजन इज दैट द लॉर्ड इज नॉट इम्पर्सनल इन द अल्टीमेट इशू, ही इज द सुप्रीम पर्सन एंड ही हैज हिज डिफरेंट एक्टिविटीज। तो सारांश है कि भगवान निर्विशेष निराकार नहीं है, भगवान का भी रूप है, और भगवान बाकी जो जीव है उनके स्वामी है। नित्य और नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामा। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, हमारे अंदर भी चेतना है और भगवान भी चेतन है, पर फर्क है कि वो एक भगवान अनगिनत जीवों का रक्षा करते हैं। हालांकि वो भी व्यक्ति है और हम भी व्यक्ति हैं, पर उनके जो शक्ति है अनगिनत है और हम बहुत छोटे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं गॉड इज इनफाइनाइट एंड वी आर इनफाइनाइट डेसिमल। भगवान अनंत है और हम अणु हैं, मात्रा में बहुत फर्क है। ही इज द लीडर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड ही डिसेंड्स एट हिज विल एंड बाय हिज पर्सनल एनर्जी टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स। तो भगवान जितने भी जीव हैं उन सब के लीडर हैं, स्वामी हैं, और भगवान अवतार लेते हैं ताकि अनेक सारे लीला कर सके और जो बद्ध जीव है उनको वापस उनके धाम लेके जाए। तो भगवान के ये अवतार होता है हम सब पे दया दिखाने के लिए। Thus, he plays exactly like the social, political or religious leaders. इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान अलग अलग लीला करते हैं, ऐसा बाह्य दृष्टिकोण से लगता है कि भगवान भी बाकी लीडर्स की तरह, बाकी जो नेता हैं उनकी तरह भी करते हैं, युद्ध करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बहुत फर्क है। इसलिए भक्तों के माध्यम से तत्वतः हम समझेंगे नहीं तो हमको, हम गलत फहमी में बैठ जाएंगे और हमको लगेगा कि भगवान भी एक साधारण व्यक्ति है। बिकॉज सच रोल्स अल्टीमेटली कल्मिनेट इन द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स ऑफ द लॉर्ड, ऑल सच प्लेनरी टॉपिक्स आर ऑल ट्रांसेंडेंटल। तो क्योंकि हर एक विषय में भगवान केंद्र बिंदु है, इसलिए ये सब विषय की चर्चा करके हमको भगवान की भक्ति में प्रगति होगा, ये सब दिव्य है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमको भगवान के रासलीला का वर्णन सुनना है, पर भगवान के कुरुक्षेत्र गीता नहीं सुनते। इनको लगता है कि गीता जो है रणभूमि में बोला है, तो ये जो कुरुक्षेत्र है, ये सब जो पॉलिटिक्स है, ये कृष्ण पर विश्वास नहीं रखते। उनको लगता है कि उनका स्तर बहुत बड़ा है, इसलिए रासलीला का सुनने का प्रयास करते हैं, पर एक्चुअली भगवान का हर एक लीला दिव्य है। इसलिए भागवतम के हम आगे जाके अध्याय में देखेंगे, दूसरे स्कंद या तीसरे स्कंद में भगवान की सृष्टि का वर्णन आ रहा है कि नहीं, भगवान कैसे महाविष्णु ये सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, डिटेल में वर्णन आता है, कैसे अलग अलग पदार्थ बनते हैं, कैसे अलग अलग लोग बनते हैं, कैसे ब्रह्मा जी भगवान की कृपा से अलग अलग योनि का निर्माण करते हैं, जन्म देते हैं। तो परीक्षित अभी उनके पास 7 दिन है मृत्यु के लिए, तो अगर परीक्षित 7 दिन है वो सीधा कृष्ण का लीला क्यों नहीं सुनते है कि नहीं, सीधा कृष्ण का ही लीला। अगर कृष्ण का लीला सबसे ज्यादा है, वृंदावन की लीला, रास लीला, तो ये सब लीला सुनाने की क्या जरूरत है सुखदेव गोस्वामी को, और परीक्षित क्यों ये सब में व्यर्थ समय गवा रहे हैं? क्योंकि ये सब लीला जो है भगवान के संबंधित है। ये भौतिक दुनिया भी अगर हम देखेंगे कैसे भगवान का हाथ है ये दुनिया में, ये सृष्टि में, तो ये दुनिया के अलग अलग चीजों को देखते हुए भी हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए हालांकि महाभारत में भारत दृष्टिकोण से लगता है इसमें पॉलिटिक्स है, एक परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई के बीच में, हमको क्यों सुनना है ये? नहीं, ये साधारण झगड़ा नहीं है, क्योंकि कृष्ण है इधर, ये जो युद्ध है अलग है।
बाकी वर्ल्ड वॉर वन हुए, वर्ल्ड वॉर टू हुए, वो सुन के हमारे हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, पर ये जो युद्ध है, ये महाभारत है, ये स्पेशल है। और स्पेशल क्यों है? कृष्ण का कनेक्शन है। दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअलाइजिंग द सिविक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये तरीका है कि मनुष्य समाज के हर एक कार्य को आध्यात्मिक बनाना। तो कैसे होगा? जब भगवान के साथ वो कनेक्शन हम देखेंगे और वो कनेक्शन जोड़ेंगे, तब हर एक चीज आध्यात्मिक बन सकता है। इसलिए पहले जमाने में जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, आइंस्टाइन, न्यूटन इत्यादि, उन सबका विचार था साइंस का कि हम साइंस के माध्यम से भगवान का गुणगान करेंगे। क्योंकि जितना हम साइंस पढ़ेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स कैसे चलते हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम ब्रह्मांड का जो तत्व है वो समझने का प्रयास करते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि कैसे भगवान का हाथ है और इससे भगवान का गुणगान होता है। इसलिए कीर्तन का जो डेफिनेशन है बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है कीर्तन का डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है कीर्तन का, साथ में मिलके भगवान का हरिनाम का जप करना, वो कीर्तन है। पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह उसके साथ साथ हम भगवान का गुणगान करेंगे, वो माध्यम से, वो कार्य से, वो भी कीर्तन है। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू किया, BI। तो प्रभुपाद का विचार था कि हम साइंस के माध्यम से भगवान का गुणगान करेंगे, तो ये भी कीर्तन है। प्रभुपाद ने अलग अलग मंदिर बांधे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, क्यों? ये भी कीर्तन है, क्योंकि ये मंदिर से भगवान का गुणगान हो रहा है। तो हर एक कार्य, पेंटिंग करते हुए अगर कोई पेंटिंग कर रहा है भगवान के लिए, वो भी कीर्तन है। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम भगवान का कनेक्शन देख पाएंगे और भगवान के साथ उसको जोड़ेंगे, वो कार्य को, हर एक कार्य दिव्य बन जाएगा। तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं, मेन हैव इंक्लिनेशंस फॉर स्टडिंग हिस्ट्री एंड मेनी अदर मंडेन लिटरेचर्स, स्टोरीज, फिक्शन, ड्रामास, मैगजीन, न्यूज पेपर्स, सो लेट ऑल ऑफ देम बी डोटेल्ड विद द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल ऑफ देम विल टर्न टू द टॉपिक्स रिलिस्ट बाई ऑल डिवोटीज। तो मनुष्यों का अलग अलग इच्छा है, कहानी पढ़ने का, सुनने का इच्छा है, इतिहास पढ़ने का इच्छा रहता है, मैगजीन्स पढ़ने का इच्छा रहता है, पर हम सब, क्योंकि भगवान के विषय में हम कहानी नहीं पढ़ते, सही इतिहास नहीं पढ़ते, हम बाकी लोगों का इतिहास पढ़ते रहते हैं, मुगल ने कैसे आक्रमण किया, अलग अलग लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, पर हम भूल गए भारत का मूल इतिहास, महाभारत और रामायण। जितना हमको समझना है राज्य चलाने का, कैसे यह दुनिया में रहना है, हर कुछ समझ में आएगा अगर हम ये इतिहास पढ़ेंगे। तो ये तरीका है हर एक चीज में भगवान को कनेक्ट करके हर एक कार्य से भगवान का गुणगान करना। तो कुछ भी कार्य नहीं है जो भगवान के सेवा में उपयोग नहीं किया जा सकता। हर एक कार्य का यूटिलिटी है, एवरीथिंग हैज इट्स यूटिलिटी। The propaganda that the Lord is impersonal, that he has no activity and that he is dumb stone without any name and form, has encouraged people to become godless, faithless demons. And the more they deviate from the transcendental activities of the Lord, the more they become accustomed to mundane activities that only clear their path to hell instead of returning them back home, back to Godhead. तो क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिकली ये आजकल के दुनिया में जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, हर एक में ये निर्विशेष मायावाद फिलोसफी है, कोई भगवान के रूप पे विश्वास नहीं रखता। हाँ, उनको लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान अगर कोई है भी ऐसा शक्ति, तो उसका कुछ आकार नहीं, कुछ रूप नहीं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, व्यक्ति और नास्तिक बनते हैं और आध्यात्मिक ओर लोग जाते नहीं है। क्योंकि लोगों को अगर किसी से प्रेम करना है, अगर भगवान का रूप नहीं है, हम भगवान से प्रेम कैसे करेंगे? निर्विशेष ब्रह्म है, आप उनसे प्रेम कैसे करोगे? हाउ विल यू लव?
एक एनर्जी है, शक्ति है, लाइट है, लाइट से प्रेम करो, हवा से प्रेम करो, कैसा होगा प्रेम? प्रेम होने के लिए रूप चाहिए। तो इसलिए जो लोग भगवान के रूप में विश्वास नहीं रखते हैं उनका पूरे तरह से आध्यात्मिक प्रगति होता नहीं है, इसलिए हमेशा भौतिक चीजों के प्रति ही उनका आसक्ति रहता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो फिलॉसफी है मायावाद फिलॉसफी की वजह से है इतने सारे लोग भगवत धाम की ओर नहीं जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है। Everyone is going towards hell. तो प्रभुपाद यहाँ के फुटनोट में लिख रहे हैं Even 50 years ago, the social structure of all Indians was so arranged that they could not read any literature that was not connected with the activities of the Lord. बहुत साल पहले नहीं, ये तो शौनक आदि ऋषि 5000 साल पहले बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ भगवान के विषय के बारे में सुनना है। प्रभुपाद यहाँ पे फुटनोट में लिख रहे हैं कि 50 साल पहले भी भारत में कोई भी व्यक्ति भगवान के संबंध में पुस्तक नहीं है वो पुस्तक कभी पढ़ता ही नहीं था। मतलब पुस्तक भी छापना है, हर एक व्यक्ति पुस्तक नहीं निकालता था, उसको भगवान के बारे में विषय पता है वही व्यक्ति पुस्तक निकालता था और वही व्यक्ति का पुस्तक पढ़ा जाता था। They would not play any drama not connected with the Lord. तो जो भी पुस्तक होता था भगवान के संबंध में ही निकलता था और वही पुस्तक लोग पढ़ते थे। और अगर कोई ड्रामा है भगवान के संबंध में नहीं है ऐसा ड्रामा कोई देखता नहीं था सभ्य समाज का, इसलिए भगवान के संबंध में ही ड्रामा देखते थे। They would not organize a fair or ceremony not connected with the Lord. तो भगवान के गुणगान में कुछ फेस्टिवल नहीं है, कुछ त्योहार नहीं है, ऐसा अपने मनोरंजन के लिए त्योहार अरेंज किया कभी होता नहीं था, भगवान को केंद्र में रख के ही त्योहार होना था। ये हमारा भारत का संस्कृति है, पर अभी हम संस्कृति को भूल गए हैं। फेस्टिवल होता है पर भगवान होते नहीं है। आजकल तो भगवान के फेस्टिवल में भी भगवान तो साइड में ही है कि नहीं, एसेंस भूल गए। गणेश चतुर्थी चलता है, गणेश जी को साइड में रख के डिस्को डांस चल रहा है, तो सार लोग भूल गए हैं। तो ये मिसफॉर्चून भारत का ये अभाग्य है कि लोग जो सही कल्चर है संस्कृति है उससे बहुत दूर होके विकृति में आ गए हैं। विकृति का मतलब है संस्कृति का बिल्कुल विपरीत, कंप्लीटली ऑपोजिट, जहां पे भगवान केंद्र नहीं है हर एक व्यक्ति केंद्र है। जैसे गोवा में होता है ना नरकासुर, पहले शायद पता नहीं कब शुरू हुआ, पर जब नरकासुर शुरू हुआ होगा, नरकासुर का आइडिया है कि नरकासुर बनाने हैं कृष्ण बनाना है और कृष्ण नरकासुर को मारते हुए आनंद लेना है। पर अभी नरकासुर तो दिखते हैं बड़े बड़े पर कृष्ण कहीं दिखते नहीं है, तो लोग भूल गए हैं कि नरकासुर किस लिए बना रहे हैं। कृष्ण अड़ गए और अभी नरकासुर ही हीरो बन गए, उसके बीच में कॉम्पिटिशन होता है कौन सा नरकासुर जीतेगा है कि नहीं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि लोग संस्कृति से काफी दूर निकल चुके हैं। Therefore, they would not organize a fair or ceremony not connected with the Lord. Nor would they visit a place that was not holy and sanctified by the pastimes of the Lord. तो प्रभुपाद हर एक पॉइंट बता रहे हैं, ये हमारा भारत था 50 साल पहले, पुस्तक पढ़ते थे तो भगवान के संबंध में, ड्रामा होता था तो भगवान के संबंध में, नृत्य होता था तो भगवान के संबंध में, और कोई भी फेस्टिवल भगवान के संबंध में ही ऑर्गेनाइज करते थे। और अगर कोई बाहर जा रहा है घूमने के लिए तीर्थ स्थान पे ही जाता था, बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए मतलब वृंदावन मथुरा द्वारका इतने सारे तीर्थ स्थान है यहीं पे जाते थे लोग। पर अभी लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पर तीर्थ स्थान पे कोई जाता नहीं है। देयरफॉर इवन द कॉमन मैन इन द विलेज वुड टॉक अबाउट रामायण एंड महाभारत। इसलिए पहले भारत में सामान्य नागरिक जो गांव का व्यक्ति भी किसान भी रामायण महाभारत पे ही चर्चा होता था, बैठ के बुजुर्ग डिस्कस करते थे, रामायण महाभारत पे ही डिस्कशन होता था, नेचुरली संस्कृति था। पर अभी सामने आके सब बैठते हैं, रामायण महाभारत तो है ही नहीं, चर्चा तो चल रहा है पर चर्चा का विषय ही चेंज हो गया है।
अभी कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं होता, बाकी अलग अलग लोगों के बारे में चर्चा हो रहा है. Therefore, even the common man of the village could talk about Ramayana, Mahabharata, Gita and Bhagavatam, even from his very childhood. तो इसलिए व्यासदेव ने महाभारत की रचना की, क्योंकि सामान्य जनता वेद के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए. पर क्योंकि महाभारत एक कहानी के रूप में है, हर एक व्यक्ति अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है संस्कृत में, वो महाभारत या रामायण के ऊपर चर्चा कर सकता है. बट बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ कली, दे हैव बीन ड्रैग्ड टू द सिविलाइजेशन ऑफ डॉग्स एंड हॉग्स, लेबरिंग फॉर ब्रेड विदाउट एनी सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. पर कली के प्रभाव से हमारा जो संस्कृति है इतना गिर चुका है, पशु का संस्कृति बन चुका है. आहार निंद्रा भयमेतुनम च सामान्येता पशुभिर नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशुभिः समान. तो धर्म के बारे में, धर्म मतलब हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं, वो महाभारत, गीता, रामायण, भागवतम, इसी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा. अलग अलग विषयों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, बहुत पूरा अपना जो ऊर्जा है, शक्ति है, पूरा लगा के मेहनत कर रहे हैं, पर संस्कृति है वो जीवन के लक्ष्य से बहुत दूर आ चुके हैं. तो इसलिए यहाँ पे शौनक आदर्शी सुतो गोस्वामी को बता रहे हैं, हमको भगवान के लीलाओं के बारे में चर्चा करना है. श्रीमद् भागवतम बिगिन्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द पांडवर्स विद नेसेसरी पॉलिटिक्स एंड सोशल एक्टिविटीज, एंड येट श्रीमद् भागवतम इज सेट टू बी द परमहंस संहिता or the Vedic literature meant for the topmost transcendentalist, and it describes param jnanam, the highest transcendental knowledge. तो भागवतम की शुरुआत होती है, हम दूसरे स्कंद में हैं, हमने देखा कि पहले स्कंद में भागवतम की शुरुआत होती है पांडवों के जीवन से, कैसे पांडव अपना महल छोड़ के जाते हैं, भीष्म देव का जिंदगी, धृतराष्ट्र का जिंदगी, पांडवों की जिंदगी से शुरू होता है और काफ़ी कुछ उसमें उनके परिवार पॉलिटिक्स के बारे में आ रहा है. फिर भी भागवतम का गिनती परमहंस संहिता में होता है, जो सबसे मुक्त व्यक्ति हैं वो भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पांडव का केंद्र बिंदु, पांडव का परिवार हमेशा कृष्ण के संपर्क में था, उनकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कृष्ण, इसीलिए उनकी जिंदगी पढ़ना भी कृष्ण का ही गुणगान है. इसलिए कृष्ण कथा मतलब कृष्ण का कथा, कृष्ण के लीलाएं और कृष्ण के भक्तों की लीलाएं दोनों संबंधित हैं, क्योंकि जब हम कृष्ण के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के लीला में कृष्ण के भक्त इंक्लूडेड है, लेकिन कृष्ण कभी अकेले ही दिखते नहीं है. एक बार प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बताया था चित्र बनाने के लिए, तो उसने एक पेंटिंग बनाया कृष्ण का, अकेले खड़े हैं, तो प्रभुपाद बोले ये मायावाद है, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहेंगे. कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्त, एक गाय के साथ, अपने जो ग्वाल बाल हैं उनके साथ, गोपियों के साथ, किसी ना किसी के साथ रहेंगे. तो कृष्ण का कथा मतलब भक्त भी इंक्लूडेड है उसमें, और जब हम भक्तों की कथा करते हैं नेचुरली कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि भक्तों के लिए उनका जिंदगी पूरा कृष्ण पे केंद्रित है, इसलिए भागवतम का गिनती परमहंस संहिता में होता है. प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑल परमहंसस एंड दे आर लाइक द स्वैंस हु नो द आर्ट ऑफ सकिंग मिल्क ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. तो परमहंस भक्तों को, स्पेशली शुद्ध भक्तों को परमहंस बोला जाता है, क्योंकि हंस का खासियत है कि अगर उसको आप मिश्रण देंगे दूध और पानी का, हंस सिर्फ दूध निकाल सकता है, अलग सा सेपरेट कर सकता है. तो वैसे ही शुद्ध भक्तों का खासियत है कि हर एक चीज में वो सार देखना, सार ग्राही, कृष्ण का कनेक्शन देखना. तो इस तरह से शौनकाद ऋषि सुत गोस्वामी को बता रहे हैं कि आप भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा कीजिए, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं कृष्ण की लीला के बारे में सुनने के लिए. तो हम टेक्स्ट 15 से कल सुबह कंटिन्यू करें. हरे कृष्ण.